आईपीएल के 26वें मैच में पंजाब वर्सेस बेंगलोर के कल के मैच में पंजाब किंग्स ने 34 रनों से मैच जीत लिया। अब बात कर लेते हैं शुरुआत से। तो सबसे पहले विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। तो ओपनिंग के लिए आए पंजाब किंग्स की तरफ से राहुल और प्रभसिमरन, जिन्होंने तूफानी अंदाज में स्टार्ट किया, लेकिन जल्द ही प्रभसिमरन काइल जेमिसन के शिकार बने और मात्र 7 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद आए वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाज क्रिस गेल, जिन्होंने काफ़ी आक्रामक अंदाज में शुरुआत की और ऐसा लग ही रहा था कि पृथ्वी शॉ की तरह क्रिस गेल भी एक ओवर में लगातार 6 चौके मार देंगे, लेकिन काइल जेमिसन की 5वीं गेंद पे उन्होंने मिस किया, जिसकी वजह से कि उस ओवर में मात्र 20 रन ही आए। तो गेल और राहुल की अच्छी पार्टनरशिप चल ही रही थी, लेकिन इसी बीच डेनियल सैम्स के बाउंसर पे क्रिस गेल आउट हो गए और उसके बाद आए वेस्टइंडीज़ के ही बल्लेबाज निकोलस पुरन, लगातार फ्लॉप हो रहे थे और इस मैच में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और मात्र 3 गेंदों पे बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। उसके बाद आए दीपक हुड्डा और शाहरुख खान, ये दोनों भी अच्छा नहीं बल्लेबाजी कर पाए और 5 रन और बिना खाता खोले शाहरुख खान आउट हो गए। फिर उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए हरप्रीत बर ने कैप्टन राहुल का काफ़ी अच्छे से बखूबी साथ दिया और लास्ट के कुछ ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी की, जिसके मदद से कि पंजाब किंग्स 179 रन बनाने तक पहुंच पाई। पारी में कैप्टन राहुल ने 91 रन की पारी खेली। और अगर बॉलिंग की बात करें तो काइल जेमिसन ने 2 विकेट, डेनियल सैम्स ने 1 विकेट, यजवेंद्र चहल ने 1 विकेट और शहबाज अहमद 1 विकेट लिए। 180 रनों का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की शुरुआत अच्छी नहीं रही और देवदत्त पड्डीकल मात्र 7 रन पे आउट हो गए। उसके बाद आए रजत पाटीदार और विराट कोहली, दोनों काफ़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, दोनों ट्राई कर रहे थे बड़े हिट मारने के लिए, लेकिन बल्ले पे संपर्क हो नहीं पा रहा था, जिसके वजह से विराट कोहली जल्द ही आउट हो गए, मात्र 35 रन बनाए और 34 गेंदों में। उनका स्ट्राइक रेट भी उतना अच्छा नहीं रहा और उनके आउट होने के बाद आए बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल, आईबी डिविलियर्स कल दोनों ही फ्लॉप रहे हैं और दोनों ही ज़्यादा रन नहीं बना पाए और दोनों ही बल्लेबाज हरप्रीत बर के शिकार बने। कल का मैच अगर बात करें तो हरप्रीत बर के ही नाम रहा, उन्होंने बल्लेबाजी भी अच्छी की, गेंदबाजी भी अच्छी की और कैच भी उन्होंने लिया। उसके बाद टीम आती गई और धीरे धीरे आते गए और जाते गए। लास्ट में काइल जेमिसन और हर्षल पटेल ने कुछ अच्छी बल्लेबाजी की, कुछ हिट्स मारे, कुछ छक्के मारे, लेकिन इतना नहीं मार पाए कि वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को जिता पाते। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर लास्ट के 20 ओवर तक 145 रन ही बना पाई 8 विकेट के नुकसान पर।